नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बोलना पड़ता है सबके बीच में, थक चुके हैं आप लोग। आप सुबह आए थे, कुछ लोगों ने चाय पी थी, कुछ लोगों ने नहीं, और बैठने की आदत है ही नहीं। एक बार खड़े हो जाएंगे सब लोग मेरे साथ? बड़ा मुश्किल है टिक कर बैठना हो, इट्स रियली डिफिकल्ट। एक काम करते हैं, क्योंकि आज हमारी प्रेजेंटेशन पहले हेल्थ से शुरू हुई, तो एक थोड़ा सा एक हल्की सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगर आप लोग मेरा साथ दें। स्ट्रेचिंग थोड़ी सी जरूरी है। हाँ, एक बार सभी हाथ ऊपर कर लें और हल्का सा अपने पंजों के बल अपने आप को स्ट्रेच करें। खींच सर्दियों की रजाई की तरह वंडरफुल। अपने राइट साइड पर घूम जाएंगे सभी लोग, अपने राइट पर, आप अपने राइट साइड पर घूम जाएंगे, राइट साइड पर, और अपने आगे वाले के कंधों को थोड़ा सा दबा दीजिए, वो थक गए। अब आप लोग अपने लेफ्ट पर हो जाएंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट 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 लेफ्ट। महिलाएं ना करें, नहीं करना चाहते तुम? वाह वाह, अच्छे, वंडरफुल वंडरफुल। अरे आप लोग अपने खुंदक निकालने का भी, बट नहीं बैठे है ना, और जो शैतान लोग हैं हम लोग सब बाहर ही है, हमें मौका ही नहीं मिला। एनी हाउ फ्रेंड्स, मैं आपके 10 से 15 मिनट लेने वाला हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं ये 10 से 15 मिनट आपकी जिंदगी में करोड़ों रुपए की टर्नओवर को ऐड कर देगा। आप ऐड करना चाहते हैं टर्नओवर को? यस यस यस। आवाज नहीं आई? यस। ओके, शुक्र है आपने जय माता दी नहीं बोला, नहीं तो हम लोग बचपन में ऐसे ही करते थे, जब कोई बोलता था आवाज नहीं आई, जय माता दी, राइट? एनीहाउ, सो फ्रेंड्स, जब हम बात कर रहे थे नेटवर्किंग के बारे में, तो आप लोगों में से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका बिजनेस नेटवर्किंग से अच्छा हो सकता है? आप जितना भी कर रहे हैं उससे अच्छा हो सकता है नेटवर्किंग से, कितने लोगों को ऐसा लगता है? लगता है सभी को? एक दो हाथ भाई, सर नहीं हो पाएगा आपका नेटवर्किंग से कुछ अच्छा? सर सभी लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हर बिजनेस, हर प्रोफेशन नेटवर्किंग से ही चलता है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा हल्के में ले जाते हैं। प्रगति क्लब ज्वाइन करना ही अपने आप में सब कुछ नहीं है। प्रगति क्लब ज्वाइन करने के बाद उसमें आप एक्टिविटीज क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, और ये श्योर है 15 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं आज अपने प्रोफेशन में जहां तक आया हूं उस स्टोरी की वजह से आया हूं। और मैं सुना भी चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक इंसान देखना चाहता था कि स्वर्ग और नर्क में क्या फर्क। पूरी दुनिया बोलती है ये काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ये काम करोगे नर्क में जाओगे, भाई है क्या? उसने कहा चलो, पंडित जी ने बोला मरना पड़ेगा, बोला कोई बात नहीं, मरना मंजूर है, बट एक बार देख के तो आऊंगा। तो साहब ने सुसाइड कर लिया, मर गए। ऊपर गए, ऊपर यमराज जी आए, तो बोले कहां जाना चाहेंगे, आपके कर्म ठीक ठीक है, आप स्वर्ग भी जा सकते हैं नर्क भी जा सकते हैं, वैसे हम आपको स्वर्ग में भेज सकते हैं। बोला इट्स ओके, आप मुझे स्वर्ग में भेज दें कोई बात नहीं, बट एक बार मैं देखना चाहूंगा नर्क भी कैसा होता है और स्वर्ग भी कैसा होता है। सो इज इट ओके? सबसे पहले क्या देखना चाहोगे? बोला पहले नर्क दिखा दो, ज्यादा अच्छा, बुरी चीजें पहले देख लेंगे, हैप्पी एंडिंग होगी ज्यादा अच्छा, हम सभी लोग हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। यस, सो पहले उसको नर्क में ले गए, और नर्क में क्या देख रहा है, सब लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कराह रहे हैं, बहुत परेशान है, सब तड़प रहे हैं। तड़प किस लिए रहे हैं? उन्हें कोई वहां पर मार नहीं रहा था, उन्हें कोई वहां पर कढ़ाई में तल नहीं रहा था, वो सब लोग भूखे थे, उनको कई दिन से खाना नहीं मिला था, सब तड़प रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी, खाना उनके सामने था, उनके सामने खाना था, एक बहुत बड़े बड़े कढ़ाए थे, उनमें बहुत अच्छा सूप था, कौन सा था वो ये बता पाएंगे सहाय जी, मुझे नहीं याद है, खैर बहुत अच्छा सूप था। लेकिन दिक्कत एक थी कि हर आदमी के हाथ में 6-6 फुट लंबे चमचे बांध दिए गए थे, स्पून्स, बिग स्पून्स उनके हाथ में बांध दिए गए थे। अब वो लोग क्या कर रहे थे, वो उसको लेते थे लेकिन वो खा नहीं पाते थे, और कई लोग मर चुके थे और कई लोग मरने वाले थे, ये था नरक। बोला यहां पर जाना चाहते हो? ये
ही सेड नहीं नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है. ओके आई वांट टू सी द स्वर्ग आल्सो. आइए आपको स्वर्ग लेकर चलते हैं. स्वर्ग लेकर गए, वहां पर भी वैसा ही माहौल था, इंटीरियर भी वैसा ही था, एसी भी उतने लगे हुए थे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, सब कुछ वैसा था. बट एवरीबॉडी वाज लाफिंग, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, सब लोग खुश थे. वाह क्या माहौल है, क्या मजा है. पर ऐसा क्या है, उन्होंने देखा बेल बजी, टाइम हो गया लंच का, सब लोग भागे और सेम सिचुएशन, सबके हाथ में छह छह फुट लंबे चमचे बंधे हुए थे. सेम डेग सूप था वही वाला सेम, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था हर आदमी आता था अपने स्पून में सूप लेता था और दूसरे को खिलाता था और दूसरा उसको खिलाता था. हमारी दुनिया में भी यही हो रहा दोस्तों, हम सभी बिजनेसमैन हैं, हम सभी प्रोफेशनल्स हैं, हम अपनी टर्नओवर को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अकेले अगर जूझते रहेंगे तो सामने खाना होते हुए भी हम खा नहीं पाएंगे. मैं ऐसा कोई आदमी नहीं जानता हूं जिसकी सेल्स टीम में इतने बड़े धुरंधर कोई रख पाया हो, आज तक मैंने देखा नहीं. ना तो धीरू भाई अंबानी इतनी बड़ी सेल्स टीम खड़ी कर पाए होंगे, ना कोई कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो सेल्स टीम है ये दुनिया की बेस्ट सेल टीम है. ये वो सेल्स टीम है जहां एडवोकेट्स भी है, जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है, जहां पर कराटे ट्रेनर भी है, जहां पर कोच भी है और जहां पर हर तरह के लोग हैं. और ये लोग मिलकर अगर आपकी पब्लिसिटी करते हैं तो आप सोचिए आपका बिजनेस कहां तक जा सकता है. यस सर, आज आइए.